हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी देखेंगे। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। अब इनका जो बॉर्न हुआ था वो दोस्तों मार्च 26, 1874, और इनकी जो डेथ हुई थी जनवरी 29, 1963। आइए इनके बारे में हम लोग डिटेल में सीखते हैं। देखिए दोस्तों, इन्हें 20th सेंचुरी अमेरिकन पोएट के नाम से जाना जाता है, और इनका जो बॉर्न हुआ था 26 मार्च 1874 इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। और ये जो दोस्तों, ये हाईली रिगार्डेड थे अपने डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, यानी जितने भी शुरुआती इंग्लैंड के समय में ये अपने रूरल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डिपिक्शन हुआ करते थे। यानी कि ये गाँव के जो बहुत निम्न वर्ग के लोग होते थे उनके लिए इन्होंने बहुत ढेर सारे वर्क लिखा है। इन्हें लिटरेचर में 4 बार पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसमें इन द ईयर ऑफ 1924 उन्हें न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था, इन द ईयर ऑफ 1931 में उन्हें कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला था, और दोस्तों 1937 में उन्हें फर्दर रेंज के मिले था, और लास्ट पुलित्जर प्राइज उन्हें 1943 में अब विटनेस ट्री के लिए मिला था। तो उन्हें 4 बार जो है कि पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इनकी जो दोस्तों, इनकी जो मदर हैं वो उन्हें न्यू इंग्लैंड ले आई, यानी जब वह 11 वर्ष के थे तो उनकी जो मदर थी उन्हें इंग्लैंड लेकर आई। और जो फ्रॉस्ट के फादर थे वह शुरुआती दौर में तो एक टीचर थे, लेकिन बाद में चलकर वे सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन के एडिटर बन जाते हैं। और दोस्तों, इनकी पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि इन द ईयर ऑफ 1885 में उनकी पिता की डेथ हो जाती है, और जो इनकी फैमिली है वो उनके, यानी कि फ्रॉस्ट जी के दादाजी के यहाँ, यानी लॉरेंस मैनचेस्टर में चली जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर जो फ्रॉस्ट हैं, इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है वह हाई स्कूल, यानी लॉरेंस हाई स्कूल इन 1892 में, यानी 1892 में लॉरेंस हाई स्कूल से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। और दोस्तों, जब ये अपना हाई स्कूल में थे तो इन्हें एक लड़की से प्रेम हो गया था, और उसके लिए उन्होंने एक पोयम वहाँ पर लिखा था जिसका नाम था माई बटरफ्लाई एंड इलेजी। और ये दोस्तों इंडिपेंडेंस नाम से आई थी, मतलब पोयम थी उसी में ये छपी थी, माई बटरफ्लाई एंड इलेजी। ये पब्लिश हुआ था 1894 में, और उन्हें पढ़ते समय उनकी क्लासमेट इलिनोर मिरियम वाइट से प्रेम हो गया था, और इन्होंने उससे 1895 में मैरिड कर लिया। और दोस्तों, फ्रॉस्ट की जो मदर थी वह इन द ईयर ऑफ 1900 में कैंसर से डेथ हो जाती है उनकी, और 1912 में ही एंड हिज फैमिली मूव्ड टू इंग्लैंड, यानी वह और उनके जो पूरा परिवार है वह इंग्लैंड चला जाता है, जहाँ पर इन्होंने एक पब्लिशर को फाउंड किया अपने बुक के लिए। देखिए दोस्तों, इसमें ये कहानी आती है कि इन्होंने, यानी 1911 तक बहुत से इन्होंने अपने वर्क्स रखे थे, बहुत से पोएम रखे थे जिन्हें पब्लिश नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन जब ये मूव्ड हो गए इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में नए पोएट्स को वहाँ पर मौका दिया जाता था। तो इन्होंने अपनी पहली जो पोएट्री की कलेक्शन थी अ बॉयज विल, इसको उन्होंने 1912 में जब वहाँ गए तो इसे उन्होंने 1913 में उसे पब्लिश कराया। वर्ल्ड वार फर्स्ट ब्रोक आउट ही मूव्ड टू अमेरिका। और दोस्तों, यहाँ पर जब वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो ये अमेरिका वापस लौट गए, और उन्होंने न्यू हैम्पशायर में एक फॉर्म को ख़रीदा। और फ्रॉस्ट की वाइफ को जो है कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है इन द ईयर ऑफ 1937, यानी 1937 में उनकी वाइफ को कैंसर हो जाता है, और उनकी जो वाइफ है एक साल बाद, यानी कि इन द ईयर ऑफ 1938 में उनकी डेथ हो जाती है। आगे बताया जाए दोस्तों कि 1960 में उन्हें जो है यूनाइटेड स्टेट कांग्रेसनल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, और ही रीड्स द गिफ्ट आउटराइट ड्यूरिंग द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ कैनेडी। देखिए, जॉन टी कैनेडी जो हैं वह अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने यानी उनके सेरेमनी में स्वेरिंग सेरेमनी में 20 जनवरी 1961 को उन्हें एक पोयम पढ़ने के लिए बुलाया गया था
जिसे उन्होंने स्वयं लिखा था, द गिफ्ट आउट राइट। ये एक पेट्रोवेटिक पोएम है। और फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि उनकी जो डेथ है वह बोस्टन में हो गई जनवरी 20, 1963 को। अब इनको एक डिजीज़ हो गया था दोस्तों, और इनके इलाज के दौरान यानी कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम प्रोस्टेट सर्जरी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें दफना दिया गया ओल्ड बेगिंगटन सिमेट्री इन बेनिंगटन, इन्हें वहां पर दफना दिया गया था। और दोस्तों बड़ी ख़ास बात यह है कि इनकी पिटाफ पर यानी इनकी कब्र के ऊपर जो क्वेट्स लिखा हुआ था, इन्हीं की सबसे फेमस पोएम थी द लेसन फॉर टुडे, जो 1942 में पब्लिश की गई थी। उन्हीं का लास्ट लाइन उस एपिटाफ पर अंकित किया गया था, जो है आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। यानी कि ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं लाइन, ये लाइन उनके एपिटाफ पर अंकित किया गया था। अब भाई दोस्तों इनके हम इम्पोर्टेंट वर्क देख लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इम्पोर्टेंट वर्क क्या हैं। देखिए 1913 में इनकी पोएट्री कलेक्शन आई थी अ बॉयज विल, 1914 में नॉर्थ ऑफ बोस्टन आया था, और नॉर्थ ऑफ बोस्टन में ही आफ्टर एप्पल पिकिंग द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन एंड मेंडिंग वॉल। अब देखिए दोस्तों जो मेन मेन अभी इसके करेक्टर हैं, जो मेन मेन पोएट्री है उसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। और इन द ईयर ऑफ 1916 में एक पोएट्री कलेक्शन आया था माउंटेन इंटरवल, इसमें बर्चेज द रोड नॉट टेकन आउट थी। एंड इन द ईयर ऑफ 1923 में सेलेक्टेड पोएम के नाम से एक पोएट्री कलेक्शन आया था, जिसमें था द रन अवे, इसमें केवल जोड़ दिया गया था। इन द ईयर ऑफ 1923 में ही न्यू हैम्स फायर आया, जिसमें फायर एंड आइस स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। दोस्तों ये वही पोएम है जिससे हमारे इंडियन जो स्टेट्समैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके लास्ट लाइन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। और इन द ईयर ऑफ 1924 में सेवरल शॉर्ट पोएम्स इनकी आई थी, और 1928 में सेलेक्टेड पोएम्स। और 1928 में ही दोस्तों वेस्ट रनिंग ग्रुप आया था, और 1930 में कलेक्टेड पोएम्स, यानी पोएम का उन्होंने कलेक्शन किया था। और दोस्तों इन द ईयर ऑफ 1934 में, अब देखिए कलेक्टेड पोएम्स के बाद इनका आया था एक सेलेक्टेड पोएम्स, और 1936 में अ फर्दर रेन, जिन्हें इन पुलित्जर प्राइज भी मिला था। एंड दोस्तों 1942 में अ विटनेस ट्री, जिसे जिनके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला था, और उसी कलेक्शन में आया था द गिफ्ट आउट राइट। और जो द गिफ्ट आउट राइट है पेट्रोटिक पोएम है, और इसी पोएम को जॉन पी कैनेडी के स्वीयरिंग सेरेमनी पर इन्होंने पढ़ा था। तो दोस्तों एंड इन द ईयर ऑफ 1943 में कम इन एंड अदर पोएम्स आई थी, और 1947 में स्टीपल बस आया था। इनकी इतनी यानी कि पोएट्री कलेक्शन था। अब दोस्तों इनकी जो प्लेज हैं, यानी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी ने कुछ प्ले भी लिखा है, तो आइए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन द ईयर ऑफ 1929 में अ वे आउट, जो केवल फर्स्ट एक्ट का था। इन द ईयर ऑफ 1929 में द काउज इन द कॉर्न। एंड इन द ईयर ऑफ 1945 में अ मास्की ऑफ रीजन, और एक अ मास्की ऑफ मर्सी नाम से इनका जो प्लेस था वह 1947 में पब्लिश हुआ था। अब दोस्तों इनकी जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, जैसे मूविंग हो गया, और अदर जो पोएम्स आपको बताया गया था, इस सब का पोएम का डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।